भैया स्वागत है सभी बालक बालिकाओं और लोंडे लोंडियाओं का आज की इस वीडियो में। और तुम्हारा भाई आज तुम्हारे लिए लेकर आया है तुम सबका भाई फेवरेट टॉपिक, जो चीज भाई बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि यार टाउन हॉल 10 के ऊपर भी बनाओ, टाउन हॉल 11 के भी बनाओ। इससे भी बढ़िया एक बोनस वाली चीज मैं आपको दिखाऊंगा भाई। अब बोनस वाली चीज क्या, देखो बोनस वाली चीज है, हम इस क्लैन का नाम देख लो भाई। सबसे पहले ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं है और भाई कोई दूसरा और क्लैन भी नहीं है। इस क्लैन का नाम देखो, इस क्लैन का नाम क्या है, इंडियन लेपर्ड्स। और इस क्लैन की भाई हमने डिस्क्रिप्शन देखो क्या रखी हुई है, वेलकम टू पापा मोगेम्बो क्लैन। तो भाई आप इस चीज से क्या समझे, चलो आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये क्लैन खोला गया है टाउन हॉल 9, 10, 11, 12 और टाउन हॉल 8 भी, चलो टाउन हॉल 8 भी रख लेते हैं, टाउन हॉल 8, 9, 10, 11, 12 के जो भाई लोग हैं जो मेरा क्लैन ज्वाइन नहीं कर पाते कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए भाई ये क्लैन अलग से खोला गया है। यहाँ पे भाई मेरे सब्सक्राइबर्स और जो लोग भाई मेरे साथ खेलना चाहते हैं या मेरे क्लैन से भाई खेलना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए भाई इस क्लैन का करा है हमने उद्घाटन, ठीक है। और इसका आपको देखो क्लैन टैग दिखा देता हूँ मैं बिल्कुल पास से, क्लैन देख लो, इंडियन लेपर्ड्स नाम का भाई क्लैन है, लेवल 12 का क्लैन है ये भाई, क्लैन टैग है इसका, सर्च कर लेना भाई आपको आसानी से मिल ही जाएगा। और बहुत ही जल्द भाई ये आपको मतलब मिक्स टाउन हॉल के हम इसमें वॉर्स खेला करेंगे, टाउन हॉल 8, 9, 10, 11, 12 के, तो इसलिए भाई इस पर्पज से एक क्लैन खोला। आपको वॉर दिखाता हूँ, वॉर हमने लगाया भाई 10 vs 10 का, है ना, 10 vs 10 में भाई हमने देखो कुछ अटैक कर भी दिए 6 और भाई एकदम 3 का पहाड़ चल रहा है, 6, 3, 18 है ना, अभी तक सारे अटैक 3 स्टार है। 2 अटैक भाई देखो, 2 टाउन हॉल 10 बचे हुए हैं, 2 टाउन हॉल 11 बचे हुए हैं। मेरी आईडी देख लो भाई, एक आईडी मेरी यहाँ से खेल रही है पापा मोगेम्बो, ठीक है, और ये डेविल डैडी भाई मेरी दूसरी आईडी है टाउन हॉल 10 के लिए। टाउन हॉल 9 वाली आईडी भाई अभी दूसरे क्लैन में, उसको मैं बाद में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपके घर आगे करने वाला हूँ ना, आपके सामने मैं करूंगा भाई टाउन हॉल 10 के एकदम लाइव वॉर अटैक, ठीक है, और आपके आगे करूंगा मैं टाउन हॉल 11 का भी एक अटैक, प्लान तो भाई यही है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो बढ़िया टाउन हॉल 10 के अटैक, जो भाई हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने अटैक करने का सोचा हुआ है। अब भाई ये वाला देखो, और एक चीज और हो सकती है, आवाज का ना आप आज आपको थोड़ा सा भाई डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, आपको लग सकता है कि आज थोड़ी सी आवाज चेंज नजर आ रही है भाई। उसका कारण यही है कि जितने भी मेरी छोटे टाउन हॉल की आईडीज हैं, यानी कि टाउन हॉल 9, टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 11, टाउन हॉल 12, भाई एक डिफरेंट डिवाइस के अंदर है, और जो मेरी टाउन हॉल 13 की मैक्स आईडीज हैं वो एक भाई डिफरेंट डिवाइस के अंदर है, जिसके कारण से क्या है कि जब मैं भाई टाउन हॉल 10 की वीडियो बनाता हूँ या छोटे टाउन हॉल की वीडियो बनाऊंगा, तब तक भाई मेरे को डिवाइस चेंज करके दूसरी डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसकी वजह से भाई आवाज का डिफरेंस आपको महसूस होता है, तो यार इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। देखो तुम्हारा भाई अपनी तरफ से जो कर सकता है भाई वो हम सब करेंगे, है ना, लेकिन थोड़ी सी हमारी आवाज, कई बार बंदों ने बोला भी है कि भाई आपकी आवाज थोड़ी सी ऐसी सी लग रही है वैसी सी लग रही है, तो भाई उसका कारण यार यही है, जब ये डिवाइस चेंज होती है ना तो उसकी वजह से आवाज में भी चेंज आ जाता है। अब ये वाली यार भी देखो भाई, इसमें बॉलर है, विच है, और भाई गोलम है, और सीसी में है होग, और साथ में है सीज बैरक। अब भाई देखो टाउन हॉल 10 की आईडी हमें छुए हुए हो गए हैं भाई, सदियों बीत चुके हैं, टाउन हॉल 10 की आईडी शायद मैंने 2016 में के बाद अब इसको ऑन किया है, तब से भाई ये डैडी पड़ी थी, तो लेकिन अब देखो अटैक तो करने ही थे, आईडीज तो भाई मतलब अटैक आईडीज तो भाई देखो चालू करनी ही पड़ेगी, चालू नहीं करेंगे तो भाई अटैक कैसे करेंगे। तो अब देखो इतना कोई खास हम प्रो है नहीं टाउन हॉल 10 पे, कोशिश करेंगे लेकिन भाई गद्दी बिठाने की जरूरत, तो चलते हैं अटैक की तरफ। इस तरह का अटैक मैं करने वाला हूँ जिस तरह का भी मैंने आपको दिखाया है, उसी तरह की भाई मैंने आर्मी भी बना रखी है। अब देखो क्लैन में 2-3 बंदे ऑन भी हैं, इनको बोल देता हूँ से हाय टू यूट्यूब। अभी भाई हमारे क्लैन के संरक्षक और संभालने वाले यही लोग होंगे, यही लोग हमारे क्लैन को भाई संभालेंगे भी, खासकर सौरव नाम का बंदा, जब आप क्लैन में ज्वाइन करोगे तो सौरव नाम का आपको बंदा मिलेगा यहाँ पर भाई, वो काफी एक्टिव रूप से एकदम चालू रहेगा, वही इस क्लैन का भाई देखभाल और संरक्षक का काम करेगा। बीच बीच में हम भी भाई ऑन आते रहेंगे, आप सभी भाइयों से बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। चलो तो भाई अब करते हैं जरा अटैक। अब इस पर भाई देखो अटैक करने से पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। देखो भाई ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना सिंगल टारगेट इन्फर्नो वाला, यहाँ पे मैं भाई अर्थक्वेक डाल के भाई ये सारा कंपार्टमेंट क्वीन के साइड वाला सारा खोलने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भाई यहाँ से जो आपकी लेबोरेटरी है और इधर से आपके जो है एलिजर कलेक्टर है और गोल्ड कलेक्टर है, इनके सामने से भाई मैं अटैक करने की ना कोशिश करूंगा, ठीक है, यहाँ से अपनी आर्मी लेके आने की कोशिश करूंगा। और भाई बहुत लंबे टाइम बाद मैं टाउन हॉल 10 का अटैक कर रहा हूँ, और ग्राउंड के अटैक करे तो भाई जमाने बीत चुके हैं, तुम्हारा भाई तो इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर उड़ने का भाई शौक रखता है उसके बाद, लेकिन अब देखो ग्राउंड के अटैक करने पड़ रहे हैं, तो देखते हैं भाई क्या हम गद्दी बिठा पाएंगे या हमारी ही गद्दी कोई बिठा देगा, आपको क्या लगता है,
ये तो बताएगा भाई समय ही। तो चलो चलते हैं अटैक की तरफ। लो भैया, अटैक पर कर दिया हमने क्लिक। अब यहाँ से मार्केट में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार देखो बढ़ते हुए कदम का भी रोकने नहीं चाहिए। एक बार अगर कदम बढ़ गए तो भाई फिर बढ़ने दो उनको। दो स्पेक्टेटर भी आ गए हमारी बेइज्जती करने के लिए। वो भाई यही सोचेंगे कि किसी तरह से अटैक फेल हो तो बाद में भाई कहा जाए कि भाई ये तो नूबड़ा है, पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा अटैक फेल ना हो। चलो भाई सबसे पहले डालते हैं अर्थक्वेक। ठीक है जी, चार अर्थ डाल दी भाई, कंपार्टमेंट पूरा खोल दिया। उसके बाद डालते हैं भाई ये क्या कहते हैं इनको, गोलक है ना। इधर डालते हैं जंप, इधर डालते हैं सीसी, इधर डालते हैं बोलर्स, किंग एंड क्वीन। ठीक है जी, आर्मी चल रही है सही सही ठीक ठाक। आपको क्या लगता है, ठीक चल रही है कि गलत चल रही है? मुझे तो लगता है ठीक चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ओके रिपोर्ट है। ओहो सीसी में निकल के आ गया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो को करो भाई फ्रीज ना, तो इलेक्ट्रो तो बिठा देगा गधी। इलेक्ट्रो को कर दिया फ्रीज, बहुत बढ़िया। पर ये इलेक्ट्रो को मारो भी तो सही, कोई मर गया भैया इलेक्ट्रो मर गया, बीच ना मार दिया इलेक्ट्रो, बहुत बढ़िया। हमारी बीच है बहुत समझदार, बाकी लोगों की चाहे बीच पागल होती हो, अपनी बीच है एकदम समझदार। पीछे से होग राइडर आ रहे हैं क्वीन के एकदम। क्या लगता है आपको ये थ्री स्टार हो पाएगा? क्या हम इस बेस की गधी बिठा पाएंगे? भाई तुम्हारे भाई को तो लग रहा है इस बेस की गधी बैठने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है, कुछ डिफेंसेस भी बचे हुए हैं, पर क्या हमारा गोलम बचा हुआ है? गोलम मर गया तो भैया सब कुछ मर जाएगा, बीच भी थोड़ी सी बची हुई है। ठीक ठाक चल रहा है यार अटैक, थ्री स्टार हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखो क्यों नहीं होएगा, मैं ये सोच रहा हूँ वैसे होएगा क्यों नहीं, होना तो जरूर चाहिए। अटैक तो बढ़िया करा है, पर ये गोलम गलत जगह पे फंस गए। टाइम फेल होने के तो खैर चलो कोई चांसेस है नहीं, ये तो आराम से बैठ कर देखते रहो। इसमें तो कुछ करने के लिए भाई बचा ही नहीं, इसमें तो जो कुछ करेगी हमारी क्वीन करेगी। ओहो गोलम करेंगे भाई, क्वीन तो क्या करेगी, गोलम तोड़ ताड़ के आगे और बढ़िया टैंक कर रहे हैं क्वीन के आगे। लग रहा है कि भाई ये थ्री स्टार हो ही जाएगा, तो मतलब कि अपनी जो शुरुआत है टाउनल 10 की वो थ्री स्टार अटैक के साथ होगी। चलो जी, और एक बात और है भाई, ये आर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल भी है टाउनल 10 के लिए। 99.99% बेसिस को ना आप इस आर्मी के साथ बहुत आराम से थ्री स्टार कर सकते हो। इसीलिए भाई ये आर्मी हमने चूज भी करी थी, क्योंकि भाई देखो बढ़िया होमवर्क करके हमने अटैक करने चालू करे हैं। टाउनल 9 पे कौन सी अच्छी आर्मी है, टाउनल 10 पे कौन सी अच्छी आर्मी है, टाउनल 11 पे कौन सी अच्छी आर्मी है और टाउनल 12 पे कौन सी अच्छी आर्मी है, उसी हिसाब से भाई हम अटैक रखेंगे। तो ये वाला अटैक देखो, इसीलिए भाई इस वाले आर्मी के साथ हमने अटैक करा था। और एक और एक अटैक की और कोशिश करते हैं थ्री स्टार मारने की। भाई ओपी मस्त अटैक लिख रहे हैं भाई, 2-3 बंदे भी क्लैन में हमारे आ भी चुके हैं। सब क्या लिखा हुआ, साहब आशीर्वाद ले लो मोगी भाई की, क्या लिखा हुआ है, सबका 3 जाएगा। अच्छा मोगी भाई का आशीर्वाद लेने के लिए कह रहे हैं सबका 3 जाएगा। लो भैया डोनेशन आ चुकी है, किंग क्वीन को जैम कर देते हैं और एक अटैक और आपको थ्री स्टार, बढ़िया कोशिश करते हैं थ्री स्टार मारने की। उसके बाद में एक अटैक भाई टाउनल 11 का भी आपको करके दिखाऊंगा। हालांकि जो टाउनल 11 के जो बेसिस है ना, इतने अच्छे कोई बेसिस नहीं, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। देखो टाउनल 11 पे भाई ये वाले बेसिस ये यूज़ कर रहे हैं, ये तो देखो एकदम बेकारी घटिया बेस है। और एक ये वाला बेस है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वाले बेस को इलेक्ट्रो ड्रैगन से भाई अपनी दूसरी वाली आईडी से, टाउनल 11 वाली आईडी से थ्री स्टार करने की। उससे पहले एक और अटैक करते हैं दूसरे बंदे की, जो भाई ये बचा हुआ है। 7-21 का पहाड़ा चल रहा है, 8-24 करने की इसको कोशिश करते हैं। बढ़िया बेस है भाई ये भी, इसको देखते हैं कि किधर से अर्थक्वेक की वैल्यू आएगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। समस्या नहीं आ रहा भाई, ये तो कैड़ा सा लग रहा है बेस। पर भाई देखो चाहे जितना मर्जी कैड़ा हो, अगर एक बार मार्केट में अपना मामला घुस गया तो इसकी मार्केट को भाई तबाह कर देंगे हम, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी किधर से अटैक होएगा, जिधर से भी होएगा भाई अटैक के बाद ही पता चलेगा। टाउन हॉल पे डालूंगा अर्थक्वेक इस बार टाउन हॉल को तोड़ने की कोशिश करेंगे इसके अर्थक्वेक से। ठीक है जी, लो जी टाउन हॉल की कर दी सारी दीवारें हमने खाली। अब यहां से हम डालेंगे एक गोलम, दूसरा गोलम, और इधर से भाई आपका विच और सीसी और लॉजी बॉलर। फनल ठीक से नहीं बनाई यार आर्मी, कुछ आर्मी बाहर जाने के भी चांसेस हैं, पर जानी नहीं चाहिए, ज्यादा चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक तो ठीक ही चल रही है आर्मी, कोई दिक्कत सी लग नहीं रही, बाकी तो भाई समय ही बताएगा। समय होता है बलवान, आप बलवान नहीं होते, बलवान होता है आपका समय, कि आपका समय आपसे क्या करवाना चाहता है। अभी तक तो ठीक चल रहा है मामला, बाकी भाई हील डाल दी है, थ्री स्टार हो पाएगा कि नहीं।
भाई मुझे तो लग रहा हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहे 3 स्टार हो या ना हो, पर ये भाई ये 1 स्टार कभी नहीं हो सकता है ना। और मेरे को तो उम्मीद है कि ये 3 स्टार ही हो जाएगा भाई, ये 3 स्टार क्यों नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भाई देखो छोटे टाउन हॉल पे भी अटैक करने का देखो थोड़ा बहुत तरीका तो जानता ही है, बड़े पे तो भाई देखो हम अच्छे अच्छे बेसिस की गद्दी बिठाना जानते ही हैं, और छोटे टाउन हॉल के ऊपर भी अब धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर लेंगे। कैसे कैसे भाई बड़े बड़े टाउन हॉल की गद्दी, मतलब छोटे छोटे टाउन हॉल की गद्दी बिठानी है, और इसकी गद्दी तो भाई इतनी कैडी बैठगी कि कम से कम 2-3 दिन तक उठ नहीं पाएगी, इतना गहरा झटका दे दिया इसको। तो भाई आर्मी बहुत बची हुई है, बहुत अपनी क्वीन बची हुई है, किंग बचा हुआ है, और आज तो भाई ये रजिया फंस गई गुंडों में। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं भाई सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, तुम्हारा भाई सारे टाउन हॉल के ऊपर एक से एक आर्मी के ऊपर तुम्हें भाई बढ़िया से बढ़िया अटैक सिखाएगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम तुम्हें दिखाएंगे भाई कैसे कैसे आप नाना प्रकार के मतलब कि टूर्नामेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोज के अंदर ना नॉलेज थोड़ी देता रहा करूंगा। भाई ये बेस का तो होगी कार्रवाई बहुत गंदी बैठगी, इसको तो 3 स्टार नहीं, इसको तो 4-5 स्टार हो सकता था। ये 4-5 बंदे स्पेक्टेट कर रहे हैं, चलो भाई पापा मोगेम्बो नाम की बेइज्जती नहीं हुई। आप सोच रहे हो इस आईडी का नाम भाई डेविल डैडी क्यों है, पुराने टाइम पे भाई मैं ऐसे उल्टे सीधे नाम रखा करता था और उन्हीं के नाम के साथ खेला करता था, तो इसीलिए भाई इस आईडी का नाम है डेविल डैडी, डेविल के पापा हैं ये। नाइस, ये तो प्रो निकला, मोगी भाई तो ऑल टीएच का प्रो है बाबा। सही कहा बंदे, कह रहे हैं भाई हम सभी टीएच के प्रो हैं। भाई प्रो व्रो कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, किस बेस से किस बेस के ऊपर कौन सी आर्मी अच्छी है और किस आर्मी से आप भाई बेस की गद्दी बिठा सकते हो, बस इतना पता होगा तो आपको अच्छे से अच्छे बेसिस की भाई आप गद्दी बिठाने का काम कर सकते हो। तो आइयो चलते हैं, आपको भाई 8-24 कर दिया, 9-27 करने की कोशिश करते हैं। और जिन भाइयों को टाउन ये क्लैन ज्वाइन करना हो भाई बता ही दिया आपको, लिंक कह रहा हूँ मतलब कि डिस्क वो देख लेना भाई, क्लैन टैग देख लेना, क्लैन सर्च कर लेना, और कोशिश करूंगा शायद मैं लिंक भी अगर डाल पाऊंगा तो डाल दूंगा, नहीं डाल पाऊंगा तो भाई आप सर्च कर लेना, क्लैन आपको मिल जाएगा, है ना। टैग मैंने आपको डाल ही दिया, अब मैं आपको एक अटैक दिखा देता हूँ टाउन हॉल 11 का भी, है ना। चलो जी टाउन हॉल 11 की आईडी में चलते हैं, घूमते फिरते हुए मार्केट में इधर उधर दौड़ते फिरते हुए। चलो जी टाउन हॉल 11 की आईडी खोल लिए बहुत जोरदार तरीके, उसको अपोनेंट का रैंक 1 देखते हैं भाई। अपोनेंट का रैंक 1 ये, हालांकि इतना अच्छा बेस नहीं है ये, पर फिर भी ठीक ठाक बेस है, हो सकता है भाई अटैक 3 स्टार ना भी हो पाए, तो भाई इतना मत कहना कि यार देखो 3 स्टार नहीं हुआ ये हो गया, भाई देखो 3-2 स्टार कभी कभी अटैक हो जाते हैं, पर देखो हम कोशिश करेंगे इसको 3 स्टार करने की, मार्केट में इसकी गद्दी बिठाने की। सीसी में हमने लिया हुआ है 1 AT, 1 वल्करी, 3 गोबलिन और 7 इलेक्ट्रो, 1 बेबी ड्रैगन, 8 बलून, 3 रेज, 5 फ्रीज, 1 CC में रेज। चलो जी अटैक पे क्लिक हो गया बहुत जोरदार तरीके से। आवाज देखो भाई, आवाज जैसी भी हो तुम्हारा भाई तो वही है ना, शकल तो वही है ना, बंदा मार्केट में तो वही है ना, बातें तो वही है ना। चलो छोड़ो आज भाई, एक तो पता क्या गला ना कोरोना वरोना कुछ नहीं भाई, एक बंदे का ये भी मैसेज आया था कि यार आपकी खराश सी हो रही है गले में, आप कोरोना वरोना चेक करा लो। भाई कोरोना मेरा 16 तारीख को पिछले महीने नेगेटिव हो गया था, मैं 4 तारीख को पिछले महीने पॉजिटिव हो गया था, कोरोना भाई मेरे होके बाहर निकल गया मार्केट से, आ चुका है तुम्हारे भाई को कोरोना वरोना, गले में थोड़ी सी खिचखिच पिच पिच है भाई, विक्स की गोली लेके दूर करनी पड़ेगी खिचखिच। तो चलो भाई इस पर अटैक चालू करते हैं। 1 बेबी ड्रैगन डिप्लॉय कर दिया हमने खोपचे में, 2 खोपचे में किंग उतार दिया और 3 खोपचे में उतार दी क्वीन, और क्वीन के आगे से भाई हमने इलेक्ट्रो उतार दिया। अब इलेक्ट्रो क्वीन के आगे से हमने इसलिए उतारे क्योंकि इलेक्ट्रो को जो ज्यादा डैमेज देने का काम करते हैं ना भाई वो क्वीन ही करते हैं, तो क्वीन को ना अपने इनिशियली गद्दी बिठाने की अपनी कोशिश है कि क्वीन को ना सबसे पहले मार्केट से बाहर कर दिया जाए, उसके बाद भाई बाकी की जो चीजें हैं उनको देखेंगे। चलो जी वार्डन एबिलिटी भी यूज कर दी बहुत बढ़िया, ये तो 1 स्टार भी हो सकता है वैसे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं टाउन हॉल 11 पे भी भाई अटैक कर रहा हूँ, होना तो नहीं चाहिए वैसे, गलत तरफ से अटैक तो नहीं कर दिया मैंने, क्या लगता है आपको क्या हम टाउन हॉल 11 को 3 स्टार का झटका दे पाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। ये सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ भाई, ये 3 स्टार का झटका देने से रोक रहा है हमको, कह रहा है कि 3 स्टार का झटका कैसे दोगे जब हम बचे हुए हैं। तो ओहो एक एयर डिफेंस भी बचा हुआ है और साथ में सबसे बड़ी मनहूस चीज बची हुई है आर्टिलरी, भाई ये अटैक तो फेल होएगा, ये अटैक तो फेल की कगार पे आ गया, ज्यादा मजे मजे में हमने जो अटैक कर दिया ना इसका भाई हमें भुगतान देना पड़ेगा 2 स्टार की मदद से। लेकिन दिक्कत कोई नहीं है भाई, और भी आईडीज हैं भी 3 स्टार भाई मार के हम इनको 30 स्टार तो हम कर ही देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी अटैक फेल भी हो जाता है, और बहुत ज्यादा सोच के भाई विचार के मैंने अटैक करा भी नहीं था। चलो जी कोई नहीं कैंसिल कर देते हैं इस अटैक को, बाद में आपको टाउन हॉल 11 पे भाई बढ़िया से एक और अटैक कर, ये तो देखो बेकार बेस है, इस बेस पे मेरा अटैक करने का मन भी नहीं कर रहा था। कोई भाई किसी को ये लगता हो कि हाँ भाई अटैक ही खराब था,
या अटैक नहीं आता भाई मोगेम्बो को, तो भाई ऐसे सोच लेना, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई सच्चाई ये है, बहुत ज्यादा सोच के विचार के मैंने स्पेस के ऊपर अटैक करा नहीं था, जो मर्जी कह लो यार, बाद में देखो अटैक फिर जाता तो बंदे यही कहते हैं, तो यही समझ लो भाई। और आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी अपना क्या रखें, ध्यान रखें।